बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ दावत में पकाने के लिए। बहुत ही जबरदस्त सी चिकन कड़ी की रेसिपी, बहुत ही इजी है और बहुत ही मजेदार बनती है। आप इसे बहुत जल्दी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसको जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाने ताकि मेरे आने वाले हर नए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं चिकन कड़ी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन कड़ी बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है, 3 अदद प्याज बारीक चॉप किए हुए, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बड़े साइज का टमाटर बारीक चॉप किया हुआ, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी के अलावा एक पहले हमें दही चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम एक बाउल में चिकन डालेंगे और चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इसमें हम ये खुश मसाले जो हैं ये सारे डाल देंगे। थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट आधा हम इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करके अच्छी तरह से चिकन के साथ इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम चिकन को मसाला लगा के तो हम इसको आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कढ़ाई में हमने 1/2 कप घी डाल लिया। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज हमारे लाइट गोल्डन हो गए, इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये शामिल कर देंगे। हम प्याज के साथ भून लेंगे। इसमें मैंने मेरे किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। इसी तरह से इसको जो है वो कलर चेंज होने का भून लूँगी मैं। चिकन हमारा बहुत ज़बरदस्त भून गया है और इसमें मैं टमाटर शामिल कर लूँगी। इसमें टमाटर डाल देंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी चिकन के साथ और थोड़ी देर के लिए स्लो आंच पे इसको जाके पकाऊंगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मसाला हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। टमाटर जो है वो गल चुके हैं और मसाला जो है वो हमारा अच्छी तरह से भुन गया। अब हम इसमें दही शामिल कर लेंगे। पहले हम इसमें दही डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। तो थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। दही हमारी अच्छी तरह से चिकन के साथ भुन गई है। देखें किस तरह अच्छी तरह से हमारा चिकन जो है वो भुन गया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। हम चिकन में पानी डाल देंगे और इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। इसे ढक के 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। चिकन हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसमें हम ये कटी हुई हरी मिर्चें ये डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, एक गरम मसाला पाउडर डाल के हम मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। हमारी ज़बरदस्त से चिकन कड़ी तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। कितनी ज़बरदस्त देखें इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। आप अपने पसंद से ग्रेवी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये चिकन कड़ी तैयार हुई है। तो मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबाने ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह।